वीडियो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वेलफेयर 2। भाई साहब ये वाला एपिसोड आखिरी होगा। अगर जिसने भी लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है ना, तो यार लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे बुलबुला आएगा उसमें भी दे दूंगा, तो यार जरूर से देख लेना। वो वाला वीडियो एकदम खतरनाक वाला है भाई साहब। जो खतरनाक वाली एंडिंग हुई है ना इस वाले वीडियो के अंदर, भाई मैंने सच में सोचा नहीं था कि ऐसे होगा। भाई देखते जाओ यार, अभी तक जिसने भी पॉपकॉर्न नहीं लिया था यार पॉपकॉर्न ले लो, एकदम खतरनाक वाला वीडियो होने वाला है। तो यार चलिए शुरू करते हैं अभी यहाँ पे वीडियो की तरफ। हम लोगों को एक लोकेशन है, उस लोकेशन के अंदर जाना पड़ेगा। भाई वहां पे एक घर है, वो बोल सकते हो एक सेफ हाउस जो कि एक फॉरेस्ट एरिया में बना हुआ है। वहां पे ना वो जो मैक्रोव बोल के है, मैक्रोव बोल के कुछ तो जो टेररिस्ट है ना, उसका खतरनाक वाला डेटा है भाई। उससे हम लोग पहुंच सकते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा डेटा है, हम लोगों को वहां पे जाना है भाई। जैसे ही सामने आता हूं तो भाई यहाँ पे वो जो बॉम्ब्स जो होते हैं भाई वो इसके अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर गाड़े हुए होते हैं भाई। इसको थोड़ा सा पैर रख दिया ना तो वो फूट जाते हैं, तो वो वाला सीन हो चुका है यहाँ पे। इतने सारे एनिमीज आ चुके हैं ना भाई, इन सबको तो मैं कद्दू भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे को एक यहाँ पे होलोग्राफिक के साथ मिल चुकी है, M416 मिली है क्या? हाँ M416 मिली है, जिससे मैं दूर के एनिमीज को भी मार सकता हूँ और क्लोज रेंज वालों को भी पेल सकता हूँ भाई। यहाँ पे देख लो यार, मरते मरते बच गया हूँ, क्योंकि भाई इतना सारा यहाँ पे उन्होंने स्मोक डाल दिया है ना कि हम लोगों को वो कद्दू भी नहीं दिख रहे भाई। कौन हमारे टीम वाले हैं, कौन एनिमी से पता भी नहीं चल रहा है भाई। यहाँ पे गन थी AK-47 विद स्कोप, यहाँ पे गन थी AK-47 विद स्कोप, तो मैंने उठा लिया है क्योंकि लॉन्ग रेंज के लिए कोई भी स्कोप नहीं था। तो यहाँ पे जा रहा हूँ भाई साहब, सोलर पैनल देख लो यार, यहाँ पे एनिमी सर है और मेरे को आदेश मिल रहा है कि भाई इनको जाने दे, कद्दू भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है। मैं बोल दूंगा भाई गोली चला लेंगे, थोड़ा सा आगे जाते वो भी फट जाते हैं भाई क्योंकि वहां पे बॉम्ब वगैरह पड़ जाता है। थोड़ा सा आगे आता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ तो भाई इतने सारे टेररिस्ट आ चुके हैं ना यहाँ पे भाई। सबको आपका भाई पे लेगा भाई, सबको आपका भाई सबका बदला लेगा। यहाँ पे एक एनिमी है उसको भी मार देता हूँ, और जिस एनिमी को मैं मारा था वो जिंदा होकर वापस से आ चुका है भाई, उसको भी मार देता हूँ। और यार मेरी रीलोडिंग करने की आदत इतनी खराब है ना, मैं क्या बोलूं। सो अभी हम लोगों को ब्रीच करके जाना पड़ेगा, एफ दबा के मैंने ब्रीच कर दिया यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे भी है भाई एनिमीज, मैंने सोचा कि नहीं होंगे, यहाँ पे भी एनिमीज थे भाई साहब, इनको मार दिया है। अभी यहाँ पे कुछ लोग बचे हुए तो इनको भी मार देता हूँ भाई साहब। एक तो कोई अंदर है, इसको भी मारता हूँ भाई, रीलोडिंग करके जाके इसको नाइफ से मारेंगे भाई, ऐसे भाई ऐसे, वो एनिमल का मेरे को याद आ रहा है। सो अभी ऊपर जाना पड़ेगा हम लोगों को, वहां पे भी एनिमी से उनको भी मारना पड़ेगा। यहाँ पे भाई साहब ये लोग, मैं मेरे टीम वाले समझ गया भाई, ये देखा तो एनिमी से भाई, कभी एक टीम कौन सी टीम है कौन सी नहीं पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि कपड़े एक ही रकम के हैं पूरे उनके भाई। इसको क्या ही गंदा पेला भाई मैंने, यहाँ पे दो लोगों को पेल दिया है, अभी एक बंदा शायद बचा हुआ है यहाँ पे, इसको भी नाइफ से मारेंगे भाई, ऐसे एनिमल जैसे, एनिमल में जो कट है ना भाई लास्ट में वैसे मारा है इसको। एक आखिरी यहाँ पे जो भी दरवाजा है उसको ब्रीच करना पड़ेगा मेरे को, उसको भी ब्रीच कर दिया है। सो एक सामने था और एक अंदर है भाई, मैंने सोचा कि भाई अंदर कोई और होगा तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे नेट डाल दिया है। आई होप कि कोई हो तो मर जाएगा भाई साहब, क्या ही खतरनाक वाला स्प्लैश हुआ है भाई। अभी मेरे को यहाँ पे रीग्रुप करना होगा टीम से, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रूफ को इकट्ठे करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे देख लो यार, क्या ही खतरनाक वाला यहाँ पे उन्होंने बना के रखा है। सो फाइनली अभी मेरे को एक डिवाइस दिया था जो मैंने सिस्टम से कनेक्ट कर चुका हूँ, अभी यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है 2067 फाइल से जो की कॉपी होना है। तो भाई इतना स्लो कॉपी हो रहा है ना, अभी भी 19 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे अप एंड डाउन हो रहा है भाई, 52 मिनट्स दिखा रहा है भाई। हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है भाई उसको, क्योंकि अगर वो एक बार डिस्कनेक्ट हो गई तो भाई वापस से पूरा डेटा पूरा चला जाएगा, फिर से हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से हम लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे कुछ एनिमी आ रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मार रहा हूँ। अभी मेरे को आदेश मिलता है कि भाई पीछे भी आ रहे हैं तो पीछे भी देखो बोल के, तो भाई मैं यहाँ पे आता हूँ तो भाई टेररिस्ट के इतने सारे गन्स भाई, इतने सारे एनिमी आ रहे हैं ना पीछे भाई, इन सबको कद्दू भी नहीं छोड़ूंगा भाई, भरता बनाऊंगा, इनका कुत्ता बना के मारूंगा भाई।
यहाँ पे एक आर्मो खत्म हो रही थी तो मैंने बोला कि भाई एक स्कोप वाली गन लेंगे क्योंकि ये दूर दूर से आ रहे थे। सो अभी यहाँ पे जितने भी आ रहे ना सामने, इन सबको जो ही पेलता हूँ भाई, इनको आगे आने दे रहा हूँ, वापस से इनको पेलता हूँ भाई। कोई तो मर रहा है दूर से भाई, कौन है वो, क्या गुंडा बनेगा रे तू, इतनी दूर से मर रहे भाई, इतनी दूर से होके भी मर नहीं रहे। वापस से दूसरी गन उठाता हूँ, यहाँ पे मिल जाता है 4x। भाई साहब आरपीजी मर रहा है भाई, कौन मर रहा है वो, कहाँ पे है भाई साहब, यहाँ पे देखो यार, छुप के आरपीजी मर रहे हैं ये लोग, कद्दू भी इनका कुछ नहीं हो सकता भाई। पीछे वालों को मैंने थोड़े से बचे, उनको भी मार देता हूँ, उसके बाद आगे आ रहे भाई, आगे वालों को भी क्या छोड़ सकते, उनको भी मारना पड़ेगा अभी। सो एक बंदा था उसको मार दिया, दूसरा बंदा भी आया भाई, कोई तो यहाँ पे फ्लैश कर दिया भाई। फ्लैश में मेरे को कद्दू भी कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, सो मैंने लेट गया। लेटने के बाद यहाँ पे रीलोडिंग कर लेता हूँ, अभी भी 800 एमओ बचे हुए भाई मेरे पास। अभी यहाँ पे कोई तो आवाज आ रहा था भाई इनका, ये लोग क्या गुंडा बनेंगे भाई, तुम्हारा भाई सबको पेलेगा भाई। अभी थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सा एंगल बना के मारेंगे इनको, क्योंकि ये लोग आगे आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई एंगल बना के मैं ही मार देता हूँ भाई। कितने सारे हैं भाई ये माकरो के, इतने सारे टेररिस्ट भाई, कहाँ से लेके आ रहा है भाई तू, मेरे को भी थोड़ा बता दे। वो अलग बात है कि वो मिल हम लोगों को ही नहीं मिल रहा है, बट होपफुली हम लोग उसको एक ना एक दिन पकड़ के मारेंगे भाई, जेल में डालेंगे उसको भाई, जेल में नहीं डालेंगे उसको, डायरेक्टली किल कर देंगे भाई, ताकि वो बचे ही ना भाई साहब। वहाँ पे पीछे मैं बंदों को भाग के आ गया था, तो एक बंदा इधर यहाँ पे मेरे को धप्पा दे रहा था, इसको भी मैंने मार दिया है। तो फाइनली हमने डेटा को ट्रांसफर कर चुके हैं, तो डेटा का जो भी था हमारे पास, अब यानी कि जो कि वो पेनड्राइव या SSD जैसे बोल सकते हो, उसको मैंने उठा लिया। अभी रीलोडिंग कर लेता हूँ एक बार, रीलोडिंग करके मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे, वहाँ पे आ रही है हम लोगों को लेने के लिए हमारी टीम। सो अभी यहाँ से भाग रहे हैं भाई हम लोग, मैं और घोस्ट हम लोग आगे ही भाग रहे हैं। सो यहाँ पे भी भाई इतने सारे एनिमीज है ना भाई, कहाँ कहाँ से मार रहे हैं भाई ये लोग, इतने सारे एनिमीज हैं भाई, सच में बता रहा हूँ, इतने खतरनाक वाले एनिमीज मैंने कभी भी नहीं देखा है भाई, पबजी में भी नहीं रहते इतने खतरनाक एनिमीज भाई। कितने सारे हो तुम लोग, इतना मार रहे हैं भाई, इतने सारे लोग आ रहे हैं। अभी हम लोगों को लेने के लिए हमारी टीम फाइनली आ चुकी है यहाँ पे भाई साहब। किसी ने तो RPG चलाई और मैं यहाँ पे बेहोश हो चुका हूँ शायद से भाई, मैं यहाँ पे बेहोश हो चुका हूँ। अभी घोस्ट हम लोगों को उठा के लेके जा रहा है भाई, घोस्ट हम लोगों को एक AK-47 दे दिया, अभी तू बचा, मैं अंदर को घसीट के लेके जा रहा हूँ बोल के भाई। मैं यहाँ पे मारने के लिए लगा हूँ भाई, भाई मैं मारने के लिए लगा हूँ, उसके बाद हमारी टीम आ जाती है फाइनली हेलीकॉप्टर लेके भाई। अभी पूरी हमारी टीम देख लेगी, लेकिन मेरे को भी संभालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दोबारा से एक ब्लैंक आउट होता है, मेरे को नहीं पता, शायद मैं गिर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे आ रहा है भाई, ये शिपार्ड है भाई, वो जनरल शिपार्ड बोलकर जो स्टार्टिंग मिला था वो बंदा है ये, शायद हम लोगों को बचाने के लिए आया है भाई साहब। कितने सारे यहाँ पे हमारे जो भी सोल्जर्स को लेके आए भाई, हम लोगों को बचाने के लिए भाई साहब, यहाँ पे आ चुका है भाई, क्या कर रहा है ये भाई। भाई ये हम लोगों को ही मार दिया भाई, भाई हमने डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया था भाई, घोष्ट को भी मार दिया, मेरे को भी मार दिया यार ये भाई, कहीं पे तो बेकार है भाई हम लोगों को, दोनों को भाई इज्जत ही नहीं है भाई, इतना सारा हम लोग ने यहाँ पे मिलके बचाया था भाई पूरा डेटा को भाई। सामने घोष्ट है भाई, मैं सोप बन के खेल रहा हूँ शायद से भाई, यहाँ पे पेट्रोल डाल रहे भाई ये, भाई क्या कमीना बंदा है भाई, ये हमारी टीम का था भाई, भाई यहाँ पे पेट्रोल या डीजल डाल दिया है भाई, अभी सिगार फूक लेके खड़ा है भाई ये, भाई क्या गंदा आदमी है भाई ये, इतना खतरनाक बीट रेट भाई, इतना खतरनाक बीट रेट तो कोई नहीं कर सकता भाई, भाई शॉक, क्या करूं मैं अभी भाई, जला दिया यार भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को कैप्टन सोप बन के खेलना पड़ेगा शायद, मैं कैप्टन सोप नहीं था, रोज था शायद से, आई डोंट नो भाई क्या है यार, मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं बोल के भाई, सच में बता रहा हूँ, जो ही खतरनाक वाला बीट रेट किया ना उसने हमारे साथ भाई, कद्दू भी भूल नहीं सकते। अभी निकोला बोल के कोई तो है यहाँ पे, वो हम लोगों को हैंडल कर रहा है शायद से भाई, जनरल शिपर और मैक्रो भाई साहब, पता चल गया शायद से कि जनरल शिपर यहाँ पे ये कर रहा है बोल के
भाई कितने सारे यहाँ पे कितने सारे हेलीकॉप्टर है भाई, एरोप्लेन वगैरह भाई साहब। भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या करना है भाई। ढेर सारे यहाँ पे एनिमी से भाई, कहीं पे भी देख लो भाई, बस लड़ रहे हैं भाई। कौन कौन किसकी टीम है मेरे को सच में नहीं पता। मैं क्या बन के खेल रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता। द एनिमीज ऑफ माय एनिमी, मेरे को भी नहीं पता क्या है उसका। भाई साहब यहाँ पे इतने सारे एनिमीज है भाई, मेरे को मिल चुकी है यहाँ पे एक UMP और एक रेड डॉट, और उसके साथ एक स्नाइपर भी है मेरे साथ लॉन्ग रेंज के लिए। अभी मैं प्रिफर कर रहा हूँ कि भाई विद जो भी यहाँ पे रेड डॉट के साथ चल रहे UMP उसको, क्योंकि मैं क्लोज ही जाके लूंगा भाई, दूर से कौन लेगा वो। भाई साहब यहाँ पे देख लो यार, ये बंदा यहाँ पे पूरी टैंक लेके खड़ा है वो। भाई मरते मरते बच गया भाई, कवर मैं के इसको मारता हूँ। तो यहाँ पे वो जो भी ट्रक थी वो फूट चुकी है भाई। इनको नहीं पता भाई कि मैं पीछे आ चुका हूँ भाई, शायद मैं, भाई साहब मैं यहाँ पे इनके ही कपड़े पहन के आया हूँ भाई। इनको लग रहा है कि मैं इनका एक बंदा हूँ। इनको नहीं पता कि भाई मैं यहाँ पे एक सोल्जर हूँ भाई। अभी किसी किसी को पता चल रहा है, किसी किसी को नहीं पता चल रहा है। जिसको पता चल रहा है इनको मार रहा हूँ, जिसको नहीं पता चल रहा है इनके सामने भी इनको भी मार रहा हूँ। भाई साहब क्या ही खतरनाक वाला मारा मैंने इसको भाई। हमारी साथ से टीम ऊपर से यहाँ पे जो भी बॉम्ब था वो डाल के चली गई है भाई। इसको कितने कितने भाई कितना बचेगा भाई, तू तो मरेगा ही। सो वहां से उसको मार के थोड़ा सा आ गया था भाई, एक बंदा इधर ही छुपा हुआ है, इसको भी मार देंगे भाई। कि कद्दू भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग भाई, हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा भाई। कितने सारे आ चुके भाई, मैं अभी रीलोडिंग को पढ़ना था इस गन को भाई, रीलोडिंग को भाई तू क्या गुंडा बनेगा, इतने सामने में तेरे को शॉट्स नहीं लग रहे हैं भाई। भाई 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 बहुत गंदा वाला मेरे को यहाँ पे डैमेज पड़ा है भाई। फाइनली लेकिन मैं बच चुका हूँ। मेरे को एक न्यू गन मिली थी जिसके अंदर स्कोप पड़ा हुआ है, जो भी वो थर्मल स्कोप आता है वो। भाई साहब इसको भी मार चुका हूँ। ऑटो गन मिली है वो भी थर्मल स्कोप के साथ। कोई तो दूर से मार रहा है भाई मेरे को नहीं पता कौन है। तो क्या गुंडा बनेगा रहे तू, इतनी नजदीक आके भी मार नहीं रहा है। इसको भी मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गया था भाई, फिर से दोबारा से मेरे को गन चेंज करना पड़ता है क्योंकि उसमें एमो खत्म हो गए थे भाई। कितने सारे एनिमी से पता है भाई, क्या बोलूँ मैं। यहाँ पे ये जो भी टैंक थी इसको भी मारने की कोशिश, जो कि नाकाम होती है। अभी मैंने बोला कि भाई इसके आगे भागता हूँ। भाई साहब सरप्राइज मदर फादर करने के लिए यहाँ पे एक बंदा छुपा हुआ है, इसको मार के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ भाई। मेरे को US के पास जाना है, मेरे को US के पास। यहाँ पे शायद हमारी टीम इधर वेट कर रही है भाई। कैप्टन प्रेज भी है शायद से यहाँ पे भाई। ये पूरा विंडशील्ड पूरा खतरनाक वाला फूटा हुआ है भाई, इनको मारना है। लेकिन उनके सामने वालों की भाई बुलेट प्रूफ है भाई, उनको मारना कद्दू भी नहीं होगा। जो गन चला रहे ना उसको मार देंगे भाई। कितने सारे लोग हमारे पीछे पड़े हैं भाई। भाई साहब अलग ही नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आ रही है भाई, जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ भाई। ये लोग बीच में आके यहाँ पे रोक रहे भाई, सामने यहाँ पे कार्गो प्लेन दे रही है भाई। ठुकते ठुकते मैं बच चुका हूँ भाई, मेरे को उसके पास जाना है भाई साहब। भाई हमारी टीम वालों को मार चुका है, रोकियो मर चुका है भाई। अभी मैं यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा US को भाई। इस कार्गो प्लेन के अंदर लेके आके मैंने ठोक दिया भाई, हैंड ब्रेक मार दिया है फाइनली भाई। मोस्ट वांटेड में यहाँ पे ना जॉन प्राइस और सोप को डाल चुके हैं भाई, क्योंकि वहां पे हमने उनके वो जो भी ये है ना, मतलब बेस है ना, वहां पे घुस के मारे थे भाई, इसलिए वहां पे वो ये कर चुके हैं भाई साहब। क्या ही खतरनाक वाला मजा आ रहा है भाई। न्यू यहाँ पे अभी एक मिशन मिला है मेरे को, कोई तो यहाँ पे एक शिप जैसी दिख रही है, मेरे को भी नहीं पता कि क्या है भाई। अलग ही लेवल के यहाँ पे ये हो जाए, एक वेक्टर है शायद से, ये वेक्टर विद फोर एक्स को और यहाँ पे एक पिस्टल भी है जो की 145 mm की गोली लगती है। इसके बाद यहाँ पे स्टन ग्रेनेड्स, मेरे को भी नहीं पता क्यों है स्टन ग्रेनेड्स, मतलब फ्लैश ग्रेनेड ही होते हैं। So, अभी नेक्स्ट क्या है भाई, ग्रेनेड्स भी दिखा रहे हैं भाई। तुम लोग क्या करना चाह रहे हो, फ्रैग ग्रेनेड भाई मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका है भाई। अभी सोप और जो भी कैप्टन प्रेज है वो भाई, वो दोनों ही लास्ट वाला मिशन करने वाले हैं भाई शायद से। इसके बाद भाई हम लोगों को लास्ट डे यहाँ पे कैप्टन प्रेज को फॉलो करना है। सोप बन के मैं खेल रहा हूँ। कोई तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे ढेर सारा रेत है,
कैप्टन ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं भाई। सो यहाँ पे हम लोगों को एक स्नाइपर मिली है विद स्कोप, अच्छा वाला स्कोप भाई, इनको मारना पड़ेगा अभी। मैं कद्दू भी वेट नहीं कर सकता, जैसे ही आदेश आएगा तो मैं पेलने वाला हूँ। सो अभी उनको सेपरेट होने के बाद मारना शुरू करेंगे। सो मैंने बोला कि भाई कद्दू गया सेपरेट होना, अभी मारेंगे भाई। यूनिमिस जा रहे भाई अभी भी उनके, अभी शुरू करते हैं पेलना इनको। एक शॉट में दोनों को ढेर कर चुके हैं यहाँ पे, इनको भी मार चुके हैं भाई। क्या इनको पता चल गया अभी आ रहे हैं बोल के, उनको भी मार के हम लोग आ गए थे। सो अभी मेरे को जंप करना है भाई, भाई रेस्ट लगी है, ये गलती से टूट गई तो मैं क्या करूंगा, कैप्टन प्राइज जान चली जाएगी। अभी हम लोगों को जंप करना है भाई साहब। भाई 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 इनको स्नीक पिक करके मारना पड़ेगा हम लोगों को। ई टू किल भाई साहब, क्या ही गंदा मारा है भाई इनको भाई साहब, नेक्स्ट लेवल वाला मारा है भाई। भाई जम करके जो ही पहला है ना भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल वाले है भाई यहाँ पे। अभी हम लोगों को कैप्टन प्रेस को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे ढेर सारे एनिमीज हम लोगों को मिल सकते हैं भाई, क्योंकि देख लो भाई आगे ही एक बंदा जा रहा है भाई, अगर उसको नहीं मारेंगे तो आगे नहीं जा सकते भाई। किसी को तो पता चल गया है यहाँ पे, कोई तो देख लिया भाई, भाई देख लिया तो अभी मारना पड़ेगा भाई। मैं इतना रीलोडिंग क्यों करता हूँ, मेरे को भी नहीं पता भाई, इतने सारे लोग आ चुके हैं भाई, मेरी तो जान गई यहाँ पे, मेरी तो बिल्कुल जान जाने वाली है भाई। भाई 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 मरते मरते बच गया हूँ भाई, शायद इन्होंने देखा नहीं है भाई, देख लिया इनको, इतना पेल रहा हूँ ना भाई, इतना पेल रहा हूँ भाई, मेरी इतनी हेल्थ गई है ना भाई, मैं कैसे बचा मेरे को भी कद्दू भी नहीं पता भाई। इसको भी यहाँ पे मैंने नाइफ निकल के मारा, दोनों को नाइफ निकल के मार चुका हूँ। पीछे एक बंदा था उसको भी मारा भाई, तू क्या गुंडा बनेगा, तेरे को भी मारूंगा मैं, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई आज। सो कैप्टन प्रेस भी यहाँ पे पेल लिया सबको भाई साहब, वो लोग ना रीजन लेके आ रहे भाई, उनको भी मारना शुरू कर चुका हूँ मैं भाई, किसी को छोड़ना ही नहीं है, सबको मारेगा भाई आपका भाई यहाँ पे भाई साहब। एक अच्छी बात यह है कि मेरे को न्यू गन मिल चुकी थी वहां पे, जो कि यहाँ पे मेरे को स्कोप में दिख रहा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सो अभी यहाँ पे जितने भी सारे लोग थे भाई, उनको मारने की हम लोग ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अगर इनको नहीं मारेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। सो अभी यहाँ पे ना पूरे इनको मार चुके हैं भाई, एक दो लोग बचे होंगे शायद से, उनको भी मार देंगे भाई, उनको क्या बड़ी बात है, मारेंगे नहीं तो छोड़ेंगे क्या, कभी भी नहीं छोड़ सकते। अभी यहाँ पे जितने भी सारे थे उनको मार चुके हैं, अभी आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है भाई। क्या ही गंदा खतरनाक वाला यहाँ पे बेस बना के रखा है भाई, अभी आगे बढ़ना है हम लोगों को भाई। कितने सारे टेररिस्ट जा रहे हैं भाई, मैं यहाँ पे एक शील्ड थी, शील्ड उठा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पूछा था शील्ड लेने के लिए, तो मैं शील्ड ले लेता हूँ भाई। ये लोग यहाँ पे खतरनाक वाला पेल रहे हैं, अच्छा हुआ मैंने शील्ड ले लिया, अभी शील्ड के भरोसे हम लोग आगे जा सकते हैं। सो अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा आगे जाना है इनको, तो कद्दू भी छोड़ूंगा ना इसको, जो ही खतरनाक पेल था ना भाई पीछे से, उसने कैप्टन प्रेस ने भी मार दिया इसको। अभी यहाँ पे गन चेंज कर सकता है, इनके पास भी M249 मिल गई है। सो अभी यहाँ पे ना उनको पता चल चुका है कि हम लोग मार रहे हैं, किसी ने तो यहाँ पे ये करके अपडेट कर दिया था भाई, ये लोग आ चुके हैं भाई। इनको एक नेट करने की कोशिश करता हूँ, नेट तो पहला वाला नेट तो मेरे पीछे ही आता है भाई, दूसरा नेट जो ही खतरनाक वाला फटा ना, वो बंदा इतनी दूर से आके पड़ा भाई। यहाँ पे भी कुछ लोग बचे हैं, इनको भी मार देता हूँ, एक बंदा पीछे है भाई, वो भी आया है तो मार दूंगा, इसको भी मार दिया है। अभी एक बंदा पीछे है, वो आगे आने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं उसको आगे आने दूंगा नहीं, क्योंकि मैं मार दूंगा उसको। एक बंदा अभी भी छुपा है भाई, तेरे को मैं तो नाइफ से मारूंगा, तू रीलोड कर, तू रीलोड कर, मैं तेरे को टाइम दे रहा हूँ ताकि फेयर गेम चले भाई। जैसे ही रीलोड करा भाई, छैक बोल के मार दिया मैंने यहाँ पे। अभी हम लोगों को ब्रीच करना है यहाँ पे, दूसरी गन थी तो मैंने बोला कि भाई ले लेंगे इसको। सो अभी यहाँ पे विद 4x मैंने गन ले लिया है, अभी M416 यहाँ पे अभी मेरे को ब्रीच करके आगे जा पड़ना है। सो अभी यहाँ पे ब्रीच कर चुके हैं भाई, कोई तो यहाँ पे एक बेस है उसका आई थिंक के कंट्रोल एरिया होगा, वहां पे आ चुके हैं भाई। एक बंदा बचा है भाई आखिरी, सबको मार चुके हैं भाई ब्रीच करने के बाद, किसी को नहीं छोड़ना है भाई साहब। इतने सारे यहाँ पे भाई, क्या ही गंदा प्लान बना के रखा है भाई, पूरा का पूरा यहाँ पे उन्होंने बॉम्ब से बना चुके हैं भाई, पूरा बॉम्ब भर चुके हैं। अभी मेरे को अनलॉक करना है यहाँ पे कीबोर्ड को ये करके भाई, जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहा है, तो हमने यहाँ पे ये कर चुके हैं, अभी आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, तो प्लीज उसको इग्नोर करना।
तो भाई साहब यहाँ पे बाहर आते तो उसके बाद यहाँ पे एक नेट पड़ता है हमारे ऊपर, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे मरने की कगार पे हैं। सो अभी यहाँ पे हम लोगों को दोबारा से एक किसी ने तो ये मारा था आरपीजी, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे मरते बच चुके हैं। आगे बढ़ना है मेरे को शायद से। भाई ये लोग पूरे टेररिस्ट है भाई, उनकी टीम वाले उनको भी मार चुके हैं भाई। भाई देख लो यहाँ कितने सारे टेररिस्ट वापस से आ रहे हैं भाई, इनको मैं कद्दू भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, सबको मारूंगा भाई। आपका भाई सबको मारेगा भाई साहब। इतना सारा रिकॉर्ड करने के बाद मेरे को पता चल रहा है कि भाई मैंने माइक ही ऑन नहीं किया है यार। अभी मेरे को पता चल रहा है कि मैंने माइक ही ऑन नहीं किया, 21 मिनट मैंने रिकॉर्ड कर दिया है भाई। अभी मैं कद्दू भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसी वॉइस में भी हम लोग आप मैनेज कर लेना। भी यहाँ पे कुछ तो चल रहा है भाई, देख लेते सुन लेते हैं भाई। आइसोलेशन पैटर्न या कुछ तो बोल रहे हैं भाई, मेरे को भी नहीं पता क्या है क्या नहीं बोल के। ओके कुछ तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिससे मेरे को कद्दू भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं बोल के। भाई हाई वैल्यू टारगेट ग्लोबल टेरर बोल के है। सब लोगों को आगे बढ़ना है भाई, कोई तो भाग रहा है भाई यहाँ पे भाई, इसको फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे भाई। मेरे को चलाना पड़ेगा शायद से गन को, नहीं नहीं गन तो यहाँ पे कैप्टन भाई चलाएगा, अभी मेरे को बोट चलाना है यहाँ से भाई। क्या बोलूं मैं, इतने छोटे छोटे यहाँ पे खट्टे, इनके बीच में मैं क्या चलाऊंगा यार। सभी यहाँ पे देख लो यार, क्या एक छोटी सी सुरंग है, इसके बीच में मैं यहाँ पे अपनी बोट को चला रहा हूँ, अपनी नहीं देवी बोट थी उसको चला रहा हूँ। और मैंने बस ट्राई किया कि भाई मैं मार सकता हूँ या नहीं बोल के, भाई मार सकता हूँ और मारने के लिए कोशिश करूंगा तो भाई यहाँ पे कद्दू भी मैं नहीं बच सकता हूँ, क्योंकि कहीं पे जाके मैं ठोक दूंगा। और ये बोट इतनी स्लो चल रही है ना, और भाई एनिमीज इतना हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई। कौन है सामने भाग रहा है मेरे को भी नहीं पता, कोई तो यहाँ पे एक उनका बड़ा हेड है जो कि यहाँ पे भाग रहा है सामने, उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो भी बस थोड़ा सा आगे जाके हम लोग इसको भी पकड़ लेंगे भाई, इसको भी कद्दू भी छोड़ेंगे नहीं। पुलिस को तो मैं कद्दू भी देने वाला हूँ, पुलिस या मिलिट्री को भाई, इसको मार देंगे भाई। ये लोग बीच में आके इतना तंग कर रहे ना यहाँ पे, उनको भी पीछे छोड़ दिया है भाई, कट्टा गया भाई यहाँ पे भाई, क्या ही बड़ा कट्टा गया। सामने हेलीकॉप्टर है भाई, भाई हेलीकॉप्टर हमने लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है भाई, नेड मार चुका है भाई कैप्टन प्राइस भाई। मेरे को पीछे लेने के लिए बोल रहा, मैं कहां से पीछे लूं भाई यहां पे। अभी हम लोगों को जंप करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है भाई यहां पे। पानी के अंदर हम लोग जंप कर चुके हैं भाई, जंप करने के बाद हम लोगों को यहां पे बाहर आ चुके हैं, जो कि हमारी जान जाते जाते बच चुकी है शायद से भाई। पूरा पानी पी चुका हूं मैं यहां पे, सोप बन के खेल रहा हूँ। और मेरे पास एक नाइफ है, गन तो कद्दू भी नहीं है भाई, मैं पूरा चकरा रहा हूँ भाई, मेरा सर पूरा चकरा रहा है भाई साहब। क्या ही बोलूं भाई, क्या ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट दिख रहा है भाई। भाई यहाँ पे कोई तो यहाँ पे शायद वो जो हेलीकॉप्टर था ना उसका बंदा है, जो यहाँ पे रेंगते हुए आ रहा है भाई, क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब हो रखी है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर फटी है ना इसकी वजह से। हम लोग तो पानी में गिरा था, मैं और कैप्टन बैस पानी में गिरे हुए थे, तो इसलिए हम लोग बच गए। शायद ये हेलीकॉप्टर से बचने के लिए कोशिश किए, कद्दू भी नहीं हुआ है भाई। तू मरते मरते भी यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है, तेरे को तो मैं जान लूंगा नहीं सही भाई। जो ही मारा है भाई यहाँ पे, खतरनाक वाला भाई साहब। भाई घरों पे कुछ ट्राई मत करना। और हम लोगों को थोड़ा सा आगे यहाँ पे कोई तो दिख रहा है भाई, कैप्टन ट्रेज होगा शायद से भाई। ये जनरल शिपर है भाई, भाई इसको मारने ही वाला था भाई, ये बच गया भाई। दोबारा से ढकल दिया भाई, हम लोग ऑलरेडी वीक है भाई, इसके पास दोबारा से नहीं भाई। भाई कितना बीट रेट करेगा भाई तू टीम वालों को। भाई क्या बोलूं मैं भाई, गोश्त को मारा, रोज को मारा, अभी सोप को मारा है भाई ये। भाई कैप्टन प्रेज आके बचा लिया यहाँ पे भाई, ये मार्क्रॉप के साथ जुड़ा हुआ है भाई। अभी हम लोगों को गन लेना पड़ेगा कुछ भी करके भाई, हम लोगों को रेंगते हुए जाना पड़ेगा उतनी दूर भाई। मैं तो चला जाऊंगा भाई साहब। कैप्टन प्रेज भी यहाँ पे गिर चुका है भाई, जैसे ही यहाँ पे उठा तो भाई यहाँ पे भाई दोबारा से मार चुका है भाई। हमें क्या बोलूं यार भाई, कैप्टन प्रेस बहुत ही खतरनाक वाला लड़ रहा है भाई शिपैट से।
भाई वो इतना बूढ़ा हो चुका है भाई, शिवराज फिर से भी लड़ रहा है भाई हमारे साथ। कैप्टन पेज इतना खतरनाक उससे लड़ रहा है भाई, कैप्टन पेज भी इतना मार खा रहा है और साथ ही साथ वो भी मार रहा है भाई। भाई क्या ही मार रहा है भाई अभी ये बंदा, भाई इसको भी मार देगा यार भाई, कितना गंदा मार रहा है भाई कैप्टन पेज को। भाई काश मैं कुछ कर सकता था भाई, अभी मैं कद्दू भी कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई। भाई मेरे को नाइफ निकालना पड़ेगा शायद से यहाँ पे। भाई मेरे हाथ अभी भी यहाँ पे लाइक वर्क कर रहे हैं, अभी मेरे को एफ दबा के यहाँ पे निकालना पड़ेगा नाइफ को। भाई साहब नाइफ को निकाल लिया है अभी, भाई मेरे को सही से एम करना है और एम करके इसको मारना पड़ेगा भाई। एम करूंगा कहीं जाए भाई, इसके मुंह पे मारूंगा, हेडशॉट मारूंगा भाई। भाई साहब जो ही मारा है मैंने भाई, करंट जाके लेफ्ट वाली आई के अंदर पड़ा है भाई। शायद से मैं भी बच जाऊंगा यहाँ पे क्योंकि मैंने नाइफ निकाल दिया है। भाई कैप्टन प्रेस भी यहाँ पे शायद मर चुका होगा भाई, क्योंकि इतना पेला भाई उसने शिपार्ड ने। आई डोंट नो कौन मरने वाले हैं कौन नहीं भाई, सच में मूवी जैसे दिख रहा है भाई मेरे को ये अभी। यार क्या होगा अभी नेक्स्ट, भाई तीनों मर जाएंगे क्या यहाँ पे? भाई तीनों मर जाएंगे तो भाई मेन मेन हीरो ही मर जाएंगे भाई, कैप्टन पेज भी मर जाएगा सोप और साथ ही साथ घोस्ट। भाई कैप्टन पेज उठ रहा है अभी, भाई साहब यहाँ पे कैप्टन पेज उठ चुका है। शायद से कैप्टन पेज को मारा नहीं था बस, लेकिन इसकी भी हालत बहुत खराब है भाई, भाई पूरा शेप और खराब कर चुका है भाई। अभी भी कैप डाल के आ रहा है भाई कैप्टन पेज, स्वैग अलग ही लेवल का भाई स्वैग इसका। सोप जो है भाई इसका फेवरेट था भाई कैप्टन पेज का। अभी हमारी शायद से टीम आ चुकी है लेने के लिए, उठने के लिए बोल रहा है, जो कि भाई मेरे से कद्दू भी उठा नहीं जा रहा है भाई, ये अकेला ही उठा के लेके जा रहा है भाई। यहाँ पे शायद से भाई निकोला आ चुका है, निकोला या नकलियो बोल के कोई तो था ना, वो आ चुका है भाई। शायद से बच जाऊंगा मैं यहाँ पे, मतलब सो बच जाएगा यहाँ से भाई। खत्म भाई, खत्म हो गया यार गेम। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वेलफेयर 2 का जो भी सीरीज था अभी खत्म हो चुका है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि लाइक मैं 3 खेलूं या ना खेलूं भाई, आपका कमेंट मेरे को वैल्यूएबल है। अगर ये सीरीज आपको पसंद नहीं है तो यार प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज आप ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहना, हम लोग नई नई सीरीज लाते रहेंगे। तो यार अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।